अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज की चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। और इस वीडियो में आप लोगों के साथ 2022 की कंप्लीट करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूं, जनवरी से लेकर जुलाई तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए पाकिस्तान में या इंटरनेशनली वो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को गौर से देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक बर्वक पहुँचती रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है विच कंट्री विल मेक फुटबॉल फॉर फीफा 2022 की फीफा की जो फुटबॉल है वो कौन सा मुल्क तैयार कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। नेक्स्ट हु इज द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी फीमेल फाइटर हु वॉन एमएमए फाइट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान की कौन सी पहली फीमेल है फाइटर हैं जिन्होंने अभी एमएमए का टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो उनका नाम है अंतिया करीम। उनका और उनका जो ताल्लुक है वो हुंजा से है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ फेडरल बजट ऑफ 2022 एंड 2023। 2022-2023 का जो बजट पेश हुआ है फफाक का उसका तखमिया कितना था, तो करेक्ट आंसर है 9.3 ट्रिलियन। नेक्स्ट है एमएनए डॉक्टर आमिर लियाकत अली खान वाज डाइड ऑन। अभी रिसेंटली एमएनए जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत किस डेट को उनकी डेथ हुई है, तो करेक्ट आंसर है 9 जून 2022 को ही है। नेक्स्ट है हाउ मेनी पाकिस्तानी आर करंटली मेंबर ऑफ द लिस्ट ऑफ द क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। कितने पाकिस्तानियों का नाम है क्रिकेटर्स जिनका हॉल ऑफ फेम में मेंबर्स में नाम आया है, तो इनका जो तादाद है वो है 6। नेक्स्ट है हु इज़ द करंट आईजी ऑफ सिंध पुलिस। अभी जो मौजूदा आईजी हैं सिंध पुलिस के उनका नाम है गुलाम नबी मेमन। नेक्स्ट है विच हाई कोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर ई चलान इलीगल। किस हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली जो ई चलान था उसको इलीगल करार दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है लाहौर हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट है हु इज द यंगेस्ट चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान टिल नाउ। जब से पाकिस्तान बना है तो सबसे जो यंगेस्ट चेयरमैन सेनेट है उनका नाम जो है वो सादिक सिंजरानी है। नेक्स्ट है करंट गवर्नर ऑफ पंजाब इज। अभी जो गवर्नर ऑफ पंजाब है उनका नाम है बिलगौर रहमान। नेक्स्ट है विच क्रिकेटर रिसीव सितारा पाकिस्तान ऑन 30 मई 2022। 30 मई 2022 को जो सितारा पाकिस्तान का अवार्ड मिला है वो किस क्रिकेटर को मिला है, तो उनका नाम है डेरेन सैमी जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज की टीम से था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हाउ मच ऑफ द रिलीफ पैकेज डिड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अनाउंस इन मई 2022। मई 2022 में पीएम शहबाज शरीफ ने जो रिलीफ पैकेज दिया है वो कितना दिया है, तो उसका जो तादाद थी वो है 28 बिलियन रुपीज। नेक्स्ट हुई इज द करंट आईजी ऑफ केपीके पुलिस। अभी जो करंट है केपीके पुलिस के आईजी उनका नाम है मोजम जा अंसारी। नेक्स्ट हुई इज द फर्स्ट वोमेन टू बिकम एसएसपी ऑपरेशन लाहौर। कौन सी पहली फीमेल हैं जो एसएसपी ऑपरेशन लाहौर तैनात हुई हैं, उनके नाम है डॉक्टर रनोश मसूद चौधरी। नेक्स्ट पीटीआई लॉन्ग मार्च टुवर्ड इस्लामाबाद फॉर द कंट्री बैटल फॉर रियल फ्रीडम वॉज ऑन। जो पीटीआई ने लॉन्ग मार्च किया था इस्लामाबाद की तरफ जिसका नाम था बैटल फॉर रियल फ्रीडम, और किस डेट को हुआ था, उसका करेक्ट आंसर है 25 मई 2022 को। नेक्स्ट है लार्जेस्ट टी इम्पोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे जो इम्पोर्ट करता है टी चाय कौन सा मुल्क है, तो करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। नेक्स्ट हु इज द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अभी जो मौजूदा अपोजिशन ऑफ द लीडर है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में आफ्टर द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो उनका नाम है राजा रियाज अहमद। नेक्स्ट है करंट गवर्नर सिंध इज। अभी जो करंट गवर्नर सिंध है उनका नाम है नसरीन जलील, और ये सेकेंड फीमेल है जो गवर्नर हैं। पहले जो बेगम राना लियाकत अली खान थे उनकी जो बीवी थी वो थी। नेक्स्ट हु होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ द यंगेस्ट माउंटेनियर्स टू समिट वर्ल्ड 4 हाइएस्ट पीक्स। दुनिया में जो 4 हाइएस्ट पीक अबूर किए हैं जो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया यंगेस्ट माउंटेनियर हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और उनका नाम जो है वो शरोज काशिफ है। नेक्स्ट हु इज द करंट गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अभी जो मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उनका नाम है डॉक्टर मुर्तजा सैयद। नेक्स्ट है व्हेन मरी टूरिज्म पुलिस लॉन्च टू फैसिलिटेट विजिटर्स। अभी रिसेंटली मरी टूरिज्म पुलिस बनी थी एक हादसे के बाद, तो वो किस डेट को बनाई गई थी,
तो करेक्ट आंसर है इनका अप्रैल 30, 2022 को। नेक्स्ट है G20 समिट ऑफ 2022 विल बी हेल्ड इन, जो G20 कंट्रीज का समिट है 2022 का वो किस मुल्क में होने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर है मलेशिया में। नेक्स्ट है विच नेशन हैज लॉन्च अ सॉलिड फ्यूल रॉकेट नेम जुलजिना इनटू स्पेस, किस अभी कंट्री ने लॉन्च किया सॉलिड फ्यूल रॉकेट जिसका नाम है जुलजिना स्पेस की तरह, तो इसका करेक्ट आंसर है ये ईरान ने किया है। नेक्स्ट है हु इज द विंटर ऑफ द फ्रेंच ओपन 2022 मेन सिंगल टाइटल, जो अभी हुआ है रिसेंटली 2022 का फ्रेंच ओपन मैन सिंगल टाइटल ये जीता है राफेल निडाल ने। नेक्स्ट है नेपट्टून मिसाइल सिस्टम इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, जो नेपट्टून मिसाइल सिस्टम है ये किस कंट्री के पास था या किन्होंने बनाया है, तो इसका करेक्ट आंसर है यूक्रेन ने। नेक्स्ट है हु इज द करंट प्रेजिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको फेटिफ कहा जाता है, उसके प्रेसिडेंट का जो नाम है टी राजा कुमार। नेक्स्ट है हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, इसराइल के जो नए अभी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है यासिर लेबिड, यार लेबिड। नेक्स्ट है विच कंट्री इज रिसेंटली हिट बाय डेडलीस्ट अर्थक्वेक ऑन 22 जून 2022 विद मैग्नीट्यूड 5.9 अर्थक्वेक, 5.9 की जो फ्रिक्वेंसी से जो जलसला आया है 22 जून 2022 को, वो कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है, जिसमें नुकसान हुआ है, तो ये अफगानिस्तान में आया है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान और ये खितों में आया, लेकिन अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। नेक्स्ट है हाउ मेनी मैचेस विल प्लेड इन फीफा वर्ल्ड कप 2022, फीफा जो वर्ल्ड कप है 2022 का जो भी होने वाला है, उसके टोटल मैचेस की तादाद कितनी है, कितने मैच खेले जाएंगे, तो उसका करेक्ट आंसर है 64। नेक्स्ट है इन विच कंट्री वर्ल्ड लार्जेस्ट एवर फ्रेश वाटर फिश हैज बीन फाउंड रिसेंटली, सबसे जो बड़ी फ्रेश वाटर फिश है वो किस कंट्री में मिली है, ये दरियाफ्त की गई है, तो उसका करेक्ट आंसर है कैम्बोडिया, और उस फिश की जो लंबाई है वो 13 फीट है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च नेशनल कार्बन इमिशन मार्केट टू रीच इट्स क्लाइमेट गोल्स, अभी रिसेंटली सिस्टम लॉन्च किया है नेशनल कार्बन इमिशन मार्केट का, जो पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, तो वो किस कंट्री ने किया है, तो करेक्ट आंसर है इसका कनाडा ने। नेक्स्ट है व्हेन जर्मन फॉरेन मिनिस्टर अनियाले बर्बो विजिटेड पाकिस्तान फॉर फर्स्ट टाइम, जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर थे पहली मरतबा पाकिस्तान में किस दिन विजिट किए, तो करेक्ट आंसर है इनका June 7, 2022 को। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 के जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे था, इसका थीम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेफर फूड बेटर हेल्थ। नेक्स्ट है विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च एन अलर्ट फीचर टू हेल्प फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन, कौन सा जो सोशल मीडिया है जिसने अभी एक डिवाइस ऐसी दरियाफ्त की है जिससे कोई भी बच्चे को गुम नहीं हो सकता, उसको फाइंड किया जा सकता, कोई भी मिस हो जाए, तो ये मेटा के सोशल प्लेटफॉर्म में तैयार की गई है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज लार्जेस्ट लेबर फोर्स, सबसे ज़्यादा किस मुल्क की लेबर फोर्स है, मजदूर फोर्स है, तो करेक्ट आंसर है ये चाइना की है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा जो दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं तादाद के लिहाज से किस मुल्क की ज़्यादा हैं, तो करेक्ट आंसर है ये इंडिया की। नेक्स्ट है टर्की नेशन नेम द यूनाइटेड नेशन हैज़ चेंज फ्रॉम टर्की टू टर्की, जो अभी रिसेंटली चेंज की है, ये स्पेलिंग आप लोग गौर से देख लें, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा टर्काई या इस टाइप का कोई नाम आ रहा है, ये चेंज किया है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वर्ल्ड बाइसाइकिल डे सेलिब्रेटेड ई एवरी ईयर, जो बाइसाइकिल डे दुनिया में मनाया जाता है किस डेट को मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर है 3 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंटिल June 2022 द वेरिफिकेशन ऑफ अराउंड डैश अफगान रिफ्यूजीज लिविंग इन पाकिस्तान वॉज कम्प्लीटेड, जून 2022 तक जो अफगानिस्तान के महाजरीन हैं
जो रजिस्टर्ड हुए हैं, वेरिफिकेशन हुई है उनकी, उनकी तादाद क्या है? तो करेक्ट आंसर है 1.3 मिलियंस। नेक्स्ट है वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, जो मिल्क डे मनाया जाता है दुनिया में, ये 1 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विच इज द 20th यूरोपियन कंट्री टू अडॉप्ट द यूरो करेंसी फ्रॉम 2023। 2023 से जो 20वीं कंट्री है तादाद के लिहाज से जो अभी यूरो करेंसी इस्तेमाल करेगी, तो उसका नाम है क्रोशिया। नेक्स्ट है हु हैज बिकम द यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो सबसे यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका नाम है बिलावल भुट्टो। नेक्स्ट है व्हाट इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, DGFIA जो है उनका नाम है मोहम्मद ताहिर राय। नेक्स्ट है हमजा शिबा शरीफ इज डैश चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इलेक्टेड ऑन डैश, हमजा शिबा शरीफ जो हैं ये 19वें वजीर आला हैं पंजाब में, और इन्होंने जो अलेक्ट हुए थे ये 16 अप्रैल 2022 को अलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट है सरदार तनवीर इलियास स्वॉर्न इन द एज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, सरदार तनवीर इलियास हैं अभी रूस रिसेंटली वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर बने हैं, तो कौन से नंबर वाले हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है 14th प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट है बिल्किस ईदी पास्ट अवे एट द एज ऑफ, जो ईदी की बीवी थी बिल्किस ईदी, रिसेंटली उनकी डेथ हुई है 2022 में, कितने साल की उम्र में हुई है? तो उसका करेक्ट आंसर है 74 ईयर्स की। नेक्स्ट है हाउ मेनी मंथ इमरान खान सर्व एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कितने टाइम तक इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 years 7 months and 23 days, 3 साल 7 months and 23 दिन तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। नेक्स्ट है शहबाज शरीफ इलेक्टेड एज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो शहबाज शरीफ है ये कौन से नंबर पर आते हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाया है? तो उसका करेक्ट आंसर है 23rd। नेक्स्ट डैश वोट हैव बीन कास्टेड इन द फेवर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान, इमरान खान के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उसमें कितने वोट कास्ट हुए उसकी फेवर में? तो उसका करेक्ट आंसर है 174 वोट्स। नेक्स्ट व्हेन इमरान खान लॉस्ट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, किस दिन जो इमरान खान है उन्होंने लॉस किया था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? तो करेक्ट आंसर है 10th अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट डायरेक्टर आरिफ अलवी डिसॉल्व्ड नेशनल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम इमरान खान ऑन, किस दिन जो सदर थे पाकिस्तान के डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्हें जो नेशनल असेंबली थी वो डिसॉल्व कर दी थी इमरान खान के एडवाइस पे, तो उस डेट जो थी वो 3 अप्रैल 2022 थी। नेक्स्ट है व्हाट इज द पाकिस्तान रैंक इन द 2022 यूएन वर्ल्ड हैप्पीएस्ट रिपोर्ट, यूएन की जो रिपोर्ट हुई है 2022 की, पाकिस्तान हैप्पीएस्ट ममालिक में से, खुश ममालिक में से कौन से नंबर पे आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 121। नेक्स्ट है 48th सेशन ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ OIC टू बी हेल्ड ऑन, जो 48वां सेशन हुआ है OIC का ये किस डेट को हुआ है? ये 2022 को हुआ है, 22 और 23 मार्च 2022 को मनकेद हुआ है। नेक्स्ट है पाकिस्तान रिसेंटली इंट्रोड्यूस डैश एयरक्राफ्ट इन PF, रिसेंटली पाकिस्तान ने 2022 में एक नया तैयारा खरीदा है, तो उसका नाम है G10C। नेक्स्ट हम यूज़ है द ऑरेंज मार्च वोमेन मार्च डे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व इन पाकिस्तान इन विच ईयर, जो ऑरेंज मार्च है ये पाकिस्तान में पहली मरतबा किस साल हुआ है? तो उसका करेक्ट आंसर है 2018 में हुआ है। नेक्स्ट है व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रफीक तारर डाइड, जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है रफीक तारर, उनकी जो वफात है वो 7 मार्च 2022 को हुई थी। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट हिंदू लेफ्टिनेंट कर्नल इन पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी में जो पहला हिंदू लेफ्टिनेंट कर्नल है वो बने, तो उनका नाम है कैलाश कुमार। नेक्स्ट है हु वाज़ द टॉप स्कोरर ऑफ PSL सीजन 7 2022, जो टॉप स्कोरर था PSL सीजन 7 का 2022 में, तो उनका नाम है फखर जमान।
नेक्स्ट है पाकिस्तान सुपर लीग PSL 2022 सीज़न 7-1 पे। जो PSL 2022 का सीज़न है वो लाहौर कलंदर ने विन किया है। नेक्स्ट है विच पाकिस्तानी बैंक हैज़ बीन पेनलाइज्ड विद हैवी फाइन बाय US अथॉरिटीज़। पाकिस्तान के किस बैंक को US अथॉरिटी ने जो उसको पेनलाइज किया है, मतलब कि फ़ाइन किया है, उस बैंक का नाम जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट फीमेल AIG ऑफ KPK पुलिस। जो फर्स्ट फीमेल AIG हैं KPK पुलिस की, उनका नाम है ऐशा गुल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट ब्लैक वोमेन जज कन्फर्म टू US सुप्रीम कोर्ट। जो US सुप्रीम कोर्ट की पहली ब्लैक वोमेन जो जज बनी है उनका नाम क्या है, तो उसका नाम है कैथिंजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ मस्कट ऑफ कतर वर्ल्ड कप 2022। कौन सा नेम दिया गया जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का होने वाला है कतर में, तो उसको कहते हैं लाइव। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम वन देयर डैश टाइटल ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2022। जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2022 का, वोमेन वो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम ने विन किया है, तो कितना टाइटल है, तो उन्होंने 7th टाइटल जो है वो विन किया है। नेक्स्ट है करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC हुसैन इब्राहिम ताहा बिलोंग टू। जो OIC के करंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिसका करेक्ट आंसर है चर्च से। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ रशियन स्पेस एजेंसी। जो रशियन स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रुस्कोमोस। नेक्स्ट है विच कंट्री प्लेन हैज क्रैश एंड किलिंग एटलीस्ट 132 पैसेंजर ऑन 21 मार्च 2022 को। जो एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें से 132 जो पैसेंजर थे उनकी डेथ हुई थी, वो किस कंट्री का था, तो करेक्ट आंसर है चाइना का। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन द वर्ल्ड सो फार। जो 17 इलेक्शन हो चुके हैं अमेरिका में, तो वो कितने हो चुके हैं, करेक्ट आंसर है 59 हो चुके हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया इज। इस्लामोफोबिया के लिए दुनिया में जो वो दिन मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है, करेक्ट आंसर है 15 मार्च को। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज लॉन्च अ मिलिट्री सैटेलाइट इन ऑर्बिट इन मार्च 2022। जो मार्च 2022 में मिलिट्री सैटेलाइट जिन्होंने स्पेस में भेजी है, वो कौन सा कंट्री है, तो इसका करेक्ट आंसर है ईरान ने। नेक्स्ट है वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 शेड्यूल टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। जो 2022 का जो वर्ल्ड कप है ये किस कंट्री में खेला गया है, तो करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है हाउ मेनी कंट्रीज आर इन द मेंबर ऑफ नेटो। नेटो के जो मेंबर्स हैं वो कितने ममालिक हैं, तो उनकी तादाद जो है वो 30 है। नेक्स्ट विच इज़ द वेन्यू ऑफ 2028 समर ओलंपिक्स। 2028 के जो समर ओलंपिक हैं ये कहाँ पे होंगे, तो करेक्ट आंसर है लॉस एंजलिस में। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। ये किस आदमी ने लिखी है एक बुक जिसका नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, तो करेक्ट आंसर है बिल गेट्स ने। नेक्स्ट नेम द फर्स्ट लार्जेस्ट प्लेन मेड इन यूक्रेन डिस्ट्रॉयड बाय रशिया। जो रिसेंटली रशिया ने जिसका नाम था ड्रीम जो प्लेन था उसको क्रैश किया, तो उसका जो ड्रीम था और जो नेम है वो AN-225 भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी नेटो कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद यूक्रेन। नेटो के कितने ममालिक हैं मेंबर्स जो हैं जिनका जो बॉर्डर है यूक्रेन से टच करता है, तो उनकी तादाद जो है वो 4 है। नेक्स्ट व्हेन डिड रशिया अटैक ऑन यूक्रेन। यूक्रेन पे कब रशिया ने अटैक किया है, तो डेट है 24 फरवरी 2022। नेक्स्ट वन ओशन समिट 2022 हैज बीन हेल्ड इन। जो वन ओशन समिट है 2022 का ये कहाँ पे हुआ है, तो करेक्ट आंसर है फ्रांस में। नेक्स्ट विच इंडियन स्टेट हैज इम्पोज्ड अ बैन ऑन हिजाब इन स्कूल एंड कॉलेज। इंडिया में कौन सी स्टेट है जहाँ पे हिजाब पहनना मुसलमानों पे स्कूल और कॉलेज में बैन कर दिया गया था, तो करेक्ट आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट डैश क्रिकेट टीम बिकम द फर्स्ट टीम टू प्ले 1000 ODI मैचेस। कौन सी क्रिकेट टीम है किस मुल्क की है
जो पहले 1000 ODI मैच कंप्लीट कर चुकी है, तो उसका नाम है इंडिया। नेक्स्ट यूएसए हैज अनफ्रोजन डैश ऑफ अफगान सेंट्रल बैंक ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड इन अफगानिस्तान, जो उन्होंने अनफ्रोज किया यूएसए ने अफगान के जो बैंक में जो पैसे पड़े हुए थे, तो उनकी जो ताद है $3.5 billion। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तान टू हैव मोर देन 400 billion फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे जिनकी जो तादाद है वो तकरीबन 40 करोड़ है फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, उनका नाम जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। नेक्स्ट है, विच टीम वॉन अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022। अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप है 2022 का, वो किस टीम ने जीता है? करेक्ट आंसर है इंडिया ने। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बैन BBC न्यूज़ फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग इन इट्स नेशन। किस कंट्री ने रिसेंटली BBC की न्यूज़ जो है न्यूज़कास्टिंग बैन की है अपने मुल्क में? तो वो है चाइना ने। नेक्स्ट है, नेम ऑफ द फर्स्ट US फर्स्ट लेडी इज, जो US की फर्स्ट लेडी है उनका जो नाम है वो जिल बाइडेन है। नेक्स्ट है, द चाइनीज न्यू ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम February 1, 2022 इज कार्ड, जो चाइनीज़ का एक अपना जो ईयर होता है स्टार्ट होते हैं जो 1 February से, तो जो अभी करंट जो ईयर है 2022 का, इसको कहते हैं ईयर ऑफ टाइगर। नेक्स्ट है, हु वॉन द मेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, तो ये राफेल नडाल ने जीता है जो ऑस्ट्रेलियन सिंगल मैन टाइटल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ब्लू डायमंड अफेयर्स इज रिलेटेड टू सऊदी अरेबिया एंड, ये सऊदी अरेबिया और थाईलैंड के दरमियान में है जिसको ब्लू डायमंड अफेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया हैज़ अनाउंस दैट इट्स न्यू कैपिटल विल बी कॉल्ड, इंडोनेशिया ने नया जो अपना कैपिटल है वो अनाउंस किया है जिसका नाम है नुस्तराला। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज सेट टू बैन द सील ऑफ टोबैको टू इट्स नेक्स्ट जनरेशन, किस कंट्री ने बैन किया है टोबैको के इस्तेमाल को जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए? तो वो है न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिकॉर्डेड लो बर्थ रेट इन 2021 में, जिन किस कंट्री की सबसे जो बर्थ रेट है वो लो है? तो करेक्ट आंसर है वो चाइना की। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिपोर्टेड द फर्स्ट ओमिक्रोन केस इन द वर्ल्ड, जो ओमिक्रोन केस जो है वो किस कंट्री में पहली मरतबा आया है? तो वो है साउथ अफ्रीका ने। नेक्स्ट है, पाकिस्तान अवार्ड डैश टू बिल गेट्स फॉर पब्लिक हेल्थ सर्विस ऑन 17 February 2022 को, जो बिल गेट्स को पाकिस्तान ने कौन सा अवार्ड दिया है? तो वो है हिलाल पाकिस्तान का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे जो पोल्यूटेड रिवर है उसका क्या नाम है? तो वो है पाकिस्तान में रिवर रावी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM इज एन अलायंस ऑफ डैश पार्टीज, PDM जो है वो कितनी पार्टीज पे मुश्तमिल है? तो करेक्ट आंसर है 11 पार्टीज पे। नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान आर, अभी जो 2023 का इलेक्शन होगा इसमें जो टोटल सीट्स होंगी नेशनल असेंबली की वो 336 होंगी। नेक्स्ट है, करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका नाम है जस्टिस उमर अत्या बंदयाल। नेक्स्ट है, पाकिस्तान रैंक डैश आउट ऑफ 180 कंट्रीज ऑन द करप्ट परसेप्शन इंडेक्स 2021, जो करप्शन के लिहाज से पाकिस्तान का कौन सा नंबर आता है? 180 ममालिक में से 140 नंबर पे आता है। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर डॉक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में पहला जो ट्रांसजेंडर डॉक्टर बना है पहली मरतबा उनका क्या नाम है? करेक्ट आंसर है सारा गिल। नेक्स्ट है, पाकिस्तान रैंक एज द डैश वर्ल्ड पासपोर्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल इन 2022, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो सबसे कम तर है कौन से नंबर पर आता है? तो वो आता है 4th नंबर पर। और नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो पहली खातून जज बनी है सुप्रीम कोर्ट की उनका नाम है आयशा मलिक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के जो भी पेपर्स हैं या इस तरह के करंट अफेयर हैं वो आप तक जो बरवक्त हैं वो पहुँचाते रहेंगे। और इसी तरह कमेंट में बताया करें कोई भी मालूमात चाहिए तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।